सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्लास 11th अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर लेके आए हूँ, पार्ट वन बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं टोटल आपके 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, अगर क्लास 11th में पास होना चाहते हो तो जरूर देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट वही बच्चे जो आ रहे होंगे इसके अंदर। प्रैक्टिस करना जरूरी है एक सैंपल पेपर, तो प्रॉपर 2 से 3 सैंपल पेपर अपलोड करूंगा इस चैनल में। बाकी आप विजिट करके देख लो, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, यानी 22-23 का और भी सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुडविल अकाउंट इज नॉमिनल होता है, रियल होता है, नॉन ऑफ दिस या पर्सनल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल होता क्या है आपका। गुडविल हमें पता है असेट होता है। हमें पता है नॉमिनल के अंदर क्या होता है, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, लॉस, अगर कुछ हुआ तब इसमें होगा, तो ये नॉमिनल तो होगा नहीं। पर्सनल के अंदर स्पेसिफिक लाइक क्रेडिटर्स, डेटर्स, इस टाइप की चीजों को हम पर्सनल में डालते, ये भी नहीं होगा। रियल के अंदर हम क्या डालते हैं, सारी एसेट्स। रियल के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, सारी एसेट के, यानी पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी, यानी रियल अकाउंट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे पढ़ने जा रहे हो, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। Now question is the voucher which are prepared for transaction not involving cash, non-cash transaction are known as, जैसे ऐसा voucher जो कि क्या करता, non-involving cash or non-transaction, यानी इसके अंदर cash नहीं होता, तो that is token, credit, transfer या unilateral। तो इसका जो correct answer हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, transfer word के नाम से जानते हैं, उसे हम transfer voucher बनाते हैं, जहां पर हम cash की transaction को include नहीं करते। क्लियर है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं, अगर आप जानते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन इज स्टेटमेंट एंड एसेट्स, पता ही आपको एसेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, थर्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड थ्रू मैनेजमेंट अकाउंट आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी हम फाइनेंस अकाउंट, यानी जो भी चीजें बनाते हैं, जो भी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प करती है। नाउ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंट इज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एज वेल, जो मैनेजमेंट के द्वारा अकाउंट मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल एज वेल, क्या सही बात है भाई? नहीं, आंसर क्या होगा, बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आ रही बात सही, यानी आपका भाई आर वाला पॉइंट क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अकाउंटिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन आया, कह रहा है व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो असेट है, ठीक है, असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको फाइंड क्या करने को कह रहा है, कैपिटल आपको कैश दे रखा है जो असेट होगा 5,000, प्लस फर्नीचर 12,000, प्लस कर दो स्टॉक 30,000, लायबिलिटी क्या होगी आपकी 6,000, प्लस कैपिटल निकाल लो, जोड़े इसको 30,000 और 12, 42, 47,000 में से 6,000 क्या कर दो, डिडक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। दैट इज करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा दोस्त, 41,000, कितना हो जाएगा 41,000। क्लियर है दोस्त, बहुत सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, अगला इसी टाइप में आपको और करके भी दे रखा, तो और वाला भी देख लो। कह रहा परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, अगर आप क्या करो, मशीन को परचेज करते हो, परचेज करोगे अगर आप मशीन, तो आप देखो मशीन आपकी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और दूसरा बदले में आपका कैश क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी हमें पता है असेट होती है मशीन। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होगी इंक्रीज होता है असेट में और डिक्रीज होता है, यही यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, बढ़िया से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कैश पैको, बोथ कैश मेमो एंड इनवॉइस, नाइदर कैश मेमो नॉर इनवॉइस, ये तो होगा क्या, इनवॉइस, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे हम कैश मेमो कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, कैश मेमो। सिक्स क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड, जो इनकम स्टेटमेंट है क्या क्या इंक्लूड करता है, ट्रायल बैलेंस ओनली, बैलेंस शीट ओनली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड करता है ओनली, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना, गलती से बच्चा गलत कर जाता है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखते हैं। सेवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर कौन सा नहीं, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव, यानी हम जो क्वांटिटीज होती है उसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है।
अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे बेस्ड होता है। अगला आता है लीगल मैटर्स को नहीं शो करता, तो क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के अंदर क्या होता था याद करो, इम्पर्सनल के अंदर क्या होता था याद करे जल्दी से, इम्पर्सनल एक होता है रियल, एक होता है इम्पर्सनल, क्या होता था जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आप लोग सारे मेरे को 8 का कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करोगे इसका आंसर आप याद से, ठीक है। इसका और वाले में बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ टोटल साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड द टोटल क्रेडिट साइड, द अकाउंट सेट टू बी हैव डेबिट बैलेंस। इस चीज को अगर आपने लेजर पढ़ रखा होगा तो आप बढ़िया से इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है 9 से 10 क्वेश्चन है जो कि हमें क्या करने है, इसको पैसेज पढ़ना है, उसको समझना है। परचेज गुड्स ऑफ ₹2 lakh एंड सोल्ड 75% सच गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर ऑफ 2022, द मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स वॉज 43,000, अकाउंटेंट वैल्यूड क्लॉथिंग एट कॉस्ट, ठीक है, सोल्ड करा मतलब रिकॉर्ड करा, अकॉर्डिंग टू हिम ओनर ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, यानी समझते हैं, ऑल एक्सपेंस इनकर्ड अर्न एंड रिवेन्यू और पार्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट रिवेन्यू एंड डिटरमाइन द नेट इनकम, फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज अ बिजनेस परचेज गुड्स इतना, द रिमेनिंग गुड्स ऑफ दिस अकाउंटेड कंसेप्ट ऑफ विच, यानी यहाँ पर किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा है, यानी कह रहा है बिजनेस परचेज गुड्स ऑफ ₹2 lakh 75% सोल्ड कर रहे हो सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड रिटर्न, द मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड वॉज 43,000, अकाउंटेंट वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी दोस्त, यहाँ पर हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की, किसकी, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की, ध्यान रखना है इस चीज को। अगला यहाँ पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है जो कि यहाँ पर प्रॉपर कह रहा है बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स्ड एसेट, कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश नहीं होता फिक्स्ड एसेट, कही सही है क्या, सही है क्या दोस्त, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स्ड एसेट, इनमें से कौन सा नहीं है, कंप्यूटर भी है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, सोचने की जरूरत नहीं है। अगला आता है रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सप्लायर विल बी एंटर्ड इन परचेज रिटर्न, यानी उसको आप गुड्स खरीदा हुआ बेच दिया वापस रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये 1 to 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।